नमस्कार दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है DHC Solutions के YouTube चैनल पर। आज का वीडियो इस फॉर्मेट के बारे में है जिसे हमने नाम दिया है कमेंट्स पर चर्चा। यहां हम जिक्र करेंगे आपके सवालों का और देंगे उनके जवाब, वो भी बिल्कुल डिटेल्ड वे में। यानी जो भी आप कमेंट्स में सवाल पूछते हैं वहां पे हम इतना डिटेल में जवाब उनका नहीं दे पाते हैं, या तो हाँ या ना ही हम बता पाते हैं, या फिर हम एक लाइन में ही उसका जवाब वहां पे दे देते हैं, क्योंकि इतना लिखना और समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 5 सवाल लेंगे जो आपने कमेंट्स के रूप में पूछे हैं और उनके बिल्कुल डिटेल में जवाब आपको देंगे। और ये सवाल भी ऐसे होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के काम आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों लेते हैं पहला कमेंट। ये पूछा है हमारे व्यूअर आशीष जैन जी। ये कहते हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप डिफरेंस हमें बताइए, एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती क्यों होती है और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप एक वीडियो में हमें बताइए। देखिए सर, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आगे, और वो पूरा वीडियो ही हमें चाहिए इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि कमेंट का जवाब देकर मैं सिर्फ इसको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं मेजर डिफरेंसेस आपको बता देता हूं। एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा कि आपको नाम सही दिख रहा है, एक पूरे ग्रुप के लिए खरीदा जाता है। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को कवर करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को इंश्योर करना चाहते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि हमें एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। इसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मिनिमम एम्प्लॉइज भी चाहिए, यानी कम से कम 20 मेंबर इसके अंदर होने चाहिए, उसके बाद ही आप एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप एक इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड, यानी फैमिली में अगर अकेला मेंबर है उनके लिए भी ले सकते हैं, या फिर 3-4 मेंबर्स की एक छोटी फैमिली है उसके लिए भी आप ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। दूसरा, इनमें से बेस्ट कौन सा है? देखिए दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं और अपनी अपनी कुछ कमियां हैं। जैसे कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हर चीज में कैपिंग मिलेगी, यानी कि लिमिट मिलेगी, लेकिन ये आपको सस्ता पड़ेगा। यानी इसका अगर प्राइस आप कंपैरिजन करेंगे तो ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कम ही आपको रहेगा, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के लिए खरीदा जाता है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें क्या क्या कारण है कि जो बैंक का इंश्योरेंस है वो सस्ता हो जाता है एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से। सबसे पहला रीजन है कि ये परचेज फॉर ए ग्रुप, यानी जो ये पॉलिसी है ये पूरे ग्रुप के लिए परचेज की जाती है, यानी बल्क परचेज होती है। ये ऐसा ही है जैसे कंपनी ने एक पॉलिसी बेचने की बजाय 20 पॉलिसीज एक साथ बेच दी हैं, तो इसलिए इसके प्रीमियम में डिस्काउंटिंग बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कवर्स कैन बी रिमूव्ड। एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान अगर आप कहेंगे किसी भी कंपनी का कि आपको ये प्लान समझना है या आपको ये वाला प्लान चाहिए, तो आप उसमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने एम्प्लॉइज या जिनके लिए भी आप ये खरीद रहे हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से अपना स्पेसिफिकली प्लान मॉडिफाई करवा के बनवा सकते हैं। तो उस केस में आप काफी सारी फैसिलिटीज को अगर रिमूव कर देंगे तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। और तीसरा रीजन मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कैपिंग या लिमिट्स होती हैं, यानी कि कोई भी इलाज अगर आप करवाएंगे तो उसमें कितने रुपए तक का इलाज आप करवा सकते हैं उसकी एक फिक्स लिमिट होगी। और नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में इस तरह की लिमिट्स तकरीबन नहीं होती है, या आप प्लान लेते टाइम भी चूज कर सकते हैं कि बिना किसी लिमिट का प्लान आप लें। तो ये इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बताए हैं। और बैंक का इंश्योरेंस क्यों सस्ता होता है इसके भी 3 रीजन मैंने आपको मेंशन किए हैं, बाकी डिटेल्ड वीडियो जैन साहब मैं जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों जो अगला सवाल पूछा है उनका नाम यूजर के नाम से शो हुआ था, और ये पूछते हैं कि अगर इंश्योरेंस प्रीवियस ओनर के नेम पे रहने दे तो क्या चालान कटेगा। अब बेसिकली इनका सवाल ये है कि मान लो इन्होंने एक गाड़ी खरीदी है और उसका RC में नाम तो इन्होंने ट्रांसफर करवा लिया है, लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रीवियस ओनर के नाम पे ही अगर ये रहने देते हैं तो क्या पुलिस इनका चालान काटेगी। देखिए दोस्तों, जो भी चालान काटने वाली अथॉरिटी है, ट्रैफिक पुलिस है या कोई भी अथॉरिटी है, वो आपका ऑनलाइन डेटा फेच करती है कि इस गाड़ी नंबर का इंश्योरेंस अभी कंटिन्यू है या नहीं है। तो इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, वो डेटा भी वहां पे अपडेट हो गया है, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी वहां पे कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है। तो इस केस में चालान इनका नहीं कटेगा, लेकिन कभी फ्यूचर में इस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई क्लेम आगे आता है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी ये जरूर चेक करेगी कि ओनरशिप में डिफरेंस है या ये ओनरशिप ट्रांसफर भी पॉलिसी में हो चुकी है। अगर वो देखेंगे RC किसी और के नाम से और इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और के नाम पे है तो आपके क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। तो चालान तो नहीं कटेगा लेकिन क्लेम्स में इश्यू जरूर रहेगा। तो दोस्तों जो अगला कमेंट किया है वो है हमारे व्यूअर महेंद्र सुथार जी। ये कहते हैं मैंने मारुति शोरूम से एक पॉलिसी ली है और अब एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे ज्यादा वैल्यू मेरी गाड़ी की दे रही है और वो भी कम प्रीमियम में, तो क्या मैं जो पहले वाली पॉलिसी है उसे कैंसिल करके ये दूसरी पॉलिसी ले लूं।
देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी वैल्यू आपकी गाड़ी की होनी चाहिए। इसके लिए जो थंब रूल है यानी IRDA की जो गाइडलाइन है, लास्ट ईयर की जो पॉलिसी है यानी पिछले साल की जो पॉलिसी है उससे 10% लेस करके आपको इस साल अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी गाड़ी की वैल्यू लगानी चाहिए। अगर उसके हिसाब से आपने जो पहले पॉलिसी खरीदी है वो है तो आप वो वाली पॉलिसी रख सकते हैं, वही सही वैल्यू है आपकी गाड़ी की। अब बात करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो ज्यादा वैल्यू की पॉलिसी चाहिए और वो भी मुझे कम पैसे में मिल रही है तो मैं तो पॉलिसी को कैंसिल करवाऊंगा। तो पॉलिसी कैंसिलेशन का प्रोसेस है ना, वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि पॉलिसी कैंसिल कर दीजिए और वो आपके रिक्वेस्ट में कैंसिल हो जाएगी। तो पॉलिसी कैंसिलेशन के लिए जो सबसे पहली नीड है वो है एक अल्टरनेट पॉलिसी की, यानी कि आपको एक पॉलिसी कैंसिल करवाने के बदले दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को प्रेजेंट करनी होगी कि आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास ऑलरेडी है इसलिए आप पहले वाली कैंसिल करवा रहे हैं। तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं है कि पहले वाली पॉलिसी कैंसिल करवा लेंगे उसके बाद आप दूसरी खरीदेंगे, आपके पास दूसरी अल्टरनेट पॉलिसी होनी चाहिए यानी आपको दूसरी पॉलिसी भी साथ में खरीदनी होगी और तब वो पहले वाली कैंसिल हो सकती है। अब ऐसा भी आप तब करें जब आप मारुति शोरूम से यानी जहां से आपने पहली पॉलिसी खरीदी है और जिसे आप कैंसिल करवाना चाहते हैं वहां से आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म कर लें। हर कंपनी की अपनी गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और वो हो सकता है कि पॉलिसी कैंसिल करें या ना भी करें। और दूसरा, अगर आप वो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ये भी कंफर्म करें कि आपका जो पैसा रिफंड आएगा पहले वाली पॉलिसी का वो कितने दिन में और कौन से अकाउंट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे व्यूअर हैं बेबी वर्मा जी, ये पूछते हैं कि एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ व्हीकल के ओनर को ही कंपनसेट किया जाएगा या उसमें बैठे पैसेंजर्स को भी क्लेम मिलेगा। ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है एक गाड़ी की और अगर उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके बाद क्या जो व्हीकल का ओनर है उसे ही क्लेम मिलेगा या उसके पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उस गाड़ी में उन्हें भी क्लेम मिलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवरेजेस आपने ली हैं पॉलिसी खरीदते टाइम। सबसे पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी पॉलिसी में अपनी गाड़ी का कोई भी नुकसान कवर नहीं होता है, सिर्फ थर्ड पार्टी यानी सामने वाला जिसके अंदर गाड़ी लगी है या अपनी गाड़ी को छोड़ के जिसको नुकसान हुआ है वही उसके अंदर कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी के मालिक की। देखिए, वो भी जरूरी नहीं है कि कवर हो। अगर आपने उस पॉलिसी के अंदर ओनर का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया है तो ही वो नुकसान कवर किया जाएगा। इसकी लिमिट 15 लाख रुपए होती है और इसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना नुकसान उन्हें हुआ है, कितनी चोट लगी है, उस हिसाब पे उनका क्लेम का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। अगर वो जीवित नहीं रहते हैं तो ये क्लेम अमाउंट मैक्सिमम 15 लाख रुपए का मिलता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें ओनर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर नहीं है तो ये क्लेम नहीं मिलेगा। अब ये पूछते हैं पैसेंजर्स के बारे में कि खाली ओनर को मिल गया पैसेंजर्स कवर होंगे, इसमें पैसेंजर्स को अगर चोट लगी तो उनके जो मेडिकल इलाज का खर्चा है क्या वो कवर होगा या कोई क्लेम उन्हें देना पड़ता है उनकी फैमिली को तो क्या वो इसमें दिया जाएगा? उसके लिए भी अगर आपने पैसेंजर कवर अपनी पॉलिसी में ले रखा है तो ही इस तरह का कोई क्लेम आपको मिलेगा और अगर पैसेंजर कवर आपकी पॉलिसी में नहीं है तो ये क्लेम भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ड्राइवर की। पेड ड्राइवर यानी कोई एम्प्लॉई है जो आपकी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो आपकी ही है। तो उसको भी कोई सहायता तभी मिलेगी अगर आपने अपनी पॉलिसी में पेड ड्राइवर कवर ले रखा है। अगर ये कवरेज नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी लाइबिलिटी पेड ड्राइवर यानी एम्प्लॉई ड्राइवर की नहीं लेगी, वो आपको अपनी पॉकेट से बियर करनी होगी। तो दोस्तों, जो आखिरी और अगला सवाल पूछा है वो हमारे व्यूअर आदित्य कुमार गोस्वामी, ये पूछते हैं क्या ओन डैमेज और थर्ड पार्टी क्या सेम ही कंपनी का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या कोई अलग अलग कंपनी का भी आप पॉलिसी ले सकते हैं? अब इसमें क्या है कि जब भी आप कोई नई कार या बाइक खरीदते हैं तो उस टाइम पे अब ये रूल आ गया है कि आपको जिस टाइम नई गाड़ी या बाइक खरीदेंगे उसी टाइम पे कार के केस में अगले 3 साल की थर्ड पार्टी का आपको उसी दिन पे करना होगा और बाइक के केस में 1 साल का कंप्लीट इंश्योरेंस और 5 साल का थर्ड पार्टी आपको अमाउंट उसी दिन पे करना होगा। यानी अब कार के केस में अगले 2 साल के लिए आपको सिर्फ ओन डैमेज पॉलिसी खरीदनी होगी, यानी थर्ड पार्टी जो ऑलरेडी 3 साल का आप पे कर चुके हैं तो अगले 2 साल में आपको सिर्फ अपनी गाड़ी की जो कंपनसेट करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे ओडी पॉलिसी कहा जाता है, ओन डैमेज पॉलिसी, वही आपको खरीदनी होगी। और बाइक के केस में अगले 4 साल आपको ये ओन डैमेज पॉलिसी खरीदनी होगी। तो ये पूछना चाहते हैं क्या ये एक ही कंपनी की होनी चाहिए यानी थर्ड पार्टी पॉलिसी जो आपने
तीन साल की कार के केस में और 5 साल की एक बाइक की केस में खरीद ली है, क्या उसी कंपनी से हर साल आपको ओन डैमेज पॉलिसी लेना जरूरी है? नहीं। देखिए दोस्तों, इस तरह की कोई भी कंपल्शन नहीं है। आपका जिस कंपनी से मन चाहे, जो आपको अच्छी वैल्यू दे, अच्छी कवरेज दे, कम से कम पैसे में, आप उस कंपनी से अपनी ओन डैमेज पॉलिसी खरीद सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर कोई डैमेज होता है, यानी आपके व्हीकल से किसी और को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई ये थर्ड पार्टी वाली इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और अगर कोई आपका अपनी गाड़ी का नुकसान होता है, उसकी कंपनसेशन ये ओन डैमेज पॉलिसी वाली जो कंपनी है वो करेगी। चाहे ये अलग अलग कंपनी से हो, तो उसमें भी क्लेम प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कमेंट्स का डिटेल में हमारा समझाना आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, इंश्योरेंस का, गाड़ियों से जुड़ा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के किसी भी सेगमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम जरूर आपका सवाल शामिल करेंगे कमेंट्स पर चर्चा सेक्शन में। मैं हरविंदर सिंह आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।